आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउंस और लेट्स स्टार्ट प्रोनाउंस। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। आप एक नाउन यूज करते हैं, अली इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल, तो जो ही है जो अली की जगह इस्तेमाल किया गया है वो प्रोनाउन होगा। जो फेमस प्रोनाउंस हैं, जो कॉमनली यूज प्रोनाउंस हैं, वो हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, देम, योर्स, आर, योर्स, आर्स, हर्स, ऑल आर प्रोनाउंस। देर आर डिफरेंट केसेज ऑफ प्रोनाउन, लेट्स चेक देम। एक होता है सब्जेक्ट केस, जब प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया, जैसे मैं कहता हूँ आई लाइक यू, तो आई जो है वहाँ पे सब्जेक्ट है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट केस में आता है ही लाइक्स मी। अब मी यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट केस इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से एक पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है, जैसे माय, और पोजेसिव प्रोनाउन माइन। जब आप नाउन से पहले लगाते हैं तो आप पोजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, और जब आप ऑफ के बाद लगाते हैं तो पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे दिस इज माई हाउस या द हाउस ऑफ माइन, तो पोजेसिव एडजेक्टिव वी से बनता है आर, यू से बनता है योर, ही से बनता है हिज, शी से हर, दे से देयर्स, और इट से इट्स। नेक्स्ट चलते हैं, रूल्स पे चलते हैं जी। सब्जेक्ट प्रोनाउन्स आर यूज्ड व्हेन प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जब प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो उसको हम सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे डैश डिड द जॉब, तो ही डिड द जॉब। कभी भी हम यहाँ पे हिम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हिम डिड द जॉब, क्योंकि हिम यहाँ पे अगर आएगा तो ऑब्जेक्ट केस में ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा, सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आ सकता। तो जब आपकी वर्ब से पहले स्पेस हो, जगह खाली हो, तो वहां पे सब्जेक्ट केस ही आएगा। सब्जेक्ट प्रोनाउन्स आर यूज्ड इफ दे रीनेम द सब्जेक्ट। अगर वो रीनेम कर रहे हैं सब्जेक्ट को, जैसे मैं कहता हूं ये मैं हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं, इट इज आई हु एम टॉकिंग टू यू। तो यहां पे देखिए इज, आर, वाज, वर, इट के बाद अगर इनमें से कोई वर्ड आ जाए, इट इज ही, दिस इज शी स्पीकिंग, इट इज वी हु आर रिस्पॉन्सिबल। इन अदर वर्ड्स इसको हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस आता है, यानी सब्जेक्ट केस आता है, नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट केस को ही कहते हैं। जब कोई आ जाए इट वाज, इट वर, इट विल बी, एट्सेट्रा। जैसे इट इज ही, दिस इज शी स्पीकिंग, इट इज वी आर रिस्पॉन्सिबल। रूल नंबर थ्री पे आ जाते हैं, जो द रूल सरप्राइजेज देम आर लैंग्वेज वॉचर्स। ये रूल जो है वो लैंग्वेज देखने वालों को भी हैरान कर देता है कई बार, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा लगता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रोनाउन होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे हु लगा हुआ है, इसका काम ये है कि इसने पहले वाले को और बाद में वाले को कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे आई कनेक्ट होगा आगे आने वाले वर्ब के साथ, तो इट इज़ आई हु एम सॉरी, इट इज़ आई हु इज़ सॉरी, इनकरेक्ट होगा। इस तरह इट इज यू हु आर मिस्टेकन, हु इज नहीं आएगा। रूल नंबर फोर पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन्स आर यूज्ड एवरीवेयर एल्स बियॉन्ड रूल नंबर वन एंड टू। रूल नंबर वन एंड टू जो है वो उनके अलावा आप जहां पे भी यूज करेंगे आप सब प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट केस इस्तेमाल करेंगे। जैसे जेन सा हिम, जेन जो है वो सब्जेक्ट है, सॉ उसका वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है। इसी तरह यहाँ पे गिव हर द बुक, गिव क्योंकि वर्ब है और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट केस लगता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, द प्रोनाउन हु, दैट, विच बिकम सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। तो ये हु और विच या कोई दैट वगैरह जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सिर्फ रेफर करते हैं पीछे वाले वर्ड को आगे वाले वर्ड से, उसको रिलेट कर देते हैं। ही इज वन ऑफ दोज मैन हु आर, द वर्ड हु रेफर्स टू मैन, therefore use the plural verb are। रूल नंबर सिक्स आ जाता है उसके बाद, प्रोनाउन दैट यूज सिंगुलर आई, ही, शी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, नोबडी, समवन, समबडी, ईच, आइदर, नाइदर रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। तो इनको सिंगुलर के तौर पे ट्रीट किया जाता है, ये जितने सारे वर्ड्स हैं इनको सिंगुलर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ये कुछ प्रोनाउन्स हैं और कुछ इनको इंडेफिनेट प्रोनाउन्स कहते हैं। इंडेफिनेट वो होते हैं जिसके बारे में हमें कंफर्म पता नहीं होता है कौन है, जैसे एनीबॉडी, नोबडी, समबडी वगैरह वगैरह। तो ईच ऑफ द गर्ल्स सिंग्स वेल, अब इसका मतलब ये बनता है कि लड़कियों में से हर एक लड़की अच्छा गाना गाती है। आइदर ऑफ अस इज केपेबल, नेदर ऑफ देम इज अवेलेबल, तो एक एक की बात हो रही है तो इसलिए इज आएगा।
रूल नंबर 7 है, आफ्टर द कंजंक्शन देन एंड एज द सब्जेक्ट केस ऑफ द प्रोनाउन इज यूज. वजह इसकी ये है कि देन और एज के बाद आती है क्लॉज. क्या आती है? क्लॉज आती है. तो जब क्लॉज आती है तो क्लॉज का असूल है कि उसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. यानी प्रेडिकेट मतलब उसका जो वर्ब और बाकी आने वाली जो चीज़ें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आएंगे. तो सब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है देन के बाद, एज के बाद, क्योंकि क्लॉज को जोड़ेगा ये. तो जब क्लॉज को जोड़ रहा है देन और एज, तो फिर आगे सब्जेक्ट से नेक्स्ट क्लॉज को शुरू होगी. ही इज़ टॉलर देन आई, उज़्मा इज़ एज स्मार्ट एज शी, असलम रन्स फास्टर देन ही. द पोजेसिव प्रोनाउंस योर्स हिज हर्स इट्स आर्स देयर्स एंड हूज नेवर नीड अपोस्ट्रॉफी. इनके साथ अपोस्ट्रॉफी नहीं लगती. प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी तब लगती है जब अपने साथ उसने वर्ब को ऐड करना, उसके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोनाउन एंड वर्ब मिलके, जो कॉन्ट्रैक्शन है प्रोनाउन और वर्ब मिलके बनाते हैं. जैसे ही इज से ही अपोस्ट्रॉफी एस बन जाता है, इट इज़ से आई टी अपोस्ट्रॉफी एस बन जाता है. और ये वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि द ओनली टाइम इट अपोस्ट्रॉफी एस हैज़ एन अपोस्ट्रॉफी व्हेन इट इज़ योर कंस्ट्रक्शन फॉर इट इज़ और इट हैज़. और अक्सर लोग ये मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ कि इट के ऊपर अपोस्ट्रॉफी एस लगा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो इज़ के लिए लगा हुआ है या हैज़ के लिए लगा हुआ है. तो देखिए, अगर हैज़ के लिए लगा है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म होगी, और अगर इज़ के लिए लगा हुआ है तो उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म होगी. रूल नंबर 10, प्रोनाउन दैट एंड विद सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, ये 9 होते हैं. माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ. जब आपका एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स हो, एक ही बंदा हो, तो आपने इनको इस्तेमाल करना होता है. जैसे उसने खुद को मार लिया, ही किल्ड हिमसेल्फ. जब उसने खुद को मार लिया तो सब्जेक्ट भी वही प्लस ऑब्जेक्ट भी वही, एक्शन करने वाला भी वही, एक्शन को बर्दाश्त करने वाला, रिसीव करने वाला भी वही है, एक ही शख्स है. तो रूल नंबर 10 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा. माई ब्रदर एंड माई सेल्फ डिड इट. अब इट यहाँ पे जो है आपका ऑब्जेक्ट है, तो माई सेल्फ नहीं आएगा. माई ब्रदर एंड आई डिड इट. प्लीज़ गिव इट टू जॉन और माई सेल्फ, तो फिर इट आपका ऑब्जेक्ट है, तो माई सेल्फ नहीं, मी आएगा. यूज द प्रोनाउन कमिंग बिटवीन वर्ब एंड जेरंड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुने. ही लाइक्स माई रीडिंग द नॉवल. वो मेरा नॉवल रीड करना पसंद करता है. अब यहाँ पे माई का मतलब है मेरा, मेरा मेरा नॉवल रीड करना पसंद करता है, उसे मेरी रीडिंग पसंद है, उस रीडिंग की पोजेशन में आ रहा है. ही लाइक्स मी रीडिंग द नॉवल गलत है. ही लाइक्स माई रीडिंग द नॉवल. तो याद रखें, वर्ब और आई एन जी वाली फॉर्म के दरमियान प्रोनाउन अगर आएगा तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव वाली हालत में आएगा. और उसके बाद जी रूल ऑफ प्रोनाउन है जी, हु एंड समटाइम दैट रेफर टू पीपल, दैट विच रेफर टू ग्रुप ऑफ थिंग्स. तो हु जो होता है वो जानदार के लिए होता है, विच बेजान के लिए इस्तेमाल होता है. एनी इज द वन हु रेस्क्यूड द बर्ड्स. एनी वो उनमें से एक है, एनी वो एक लड़की है जिसने परिंदों को बचाया. द मैन दैट गॉट अवे. उस्मान इज ऑन द टीम दैट. अब टीम के लिए दैट इस्तेमाल किया गया है. और शी बिलोंग्स टू अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन विच. अब यहाँ पे यही याद रखें, एक और मैं आपको रूल बता दूँ कि दैट से पहले कॉमा नहीं आता, विच से पहले कॉमा आता है. ये हम आगे जब क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस कौन सी होती हैं और कॉमा कहाँ पे आना है. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं जी. ओके, आई विल टेक इट आउट माई सेल्फ. अभी हमने देखा इट आ गया तो आई टेक इट आउट माई सेल्फ. ठीक है, मैं खुद इसको निकालता हूँ. यहाँ पे इट से इसको इफेक्ट नहीं होगा. यहाँ पे ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी मैं खुद इसको निकालता हूँ, खुद की सेंस में. बट लेट मी हैव आएगा, क्योंकि लेट वर्ब है और वर्ब के बाद जो प्रोनाउन का केस आएगा वो ऑब्जेक्ट केस आएगा मी. डेल एंड जिम हैड ग्रेट लव फॉर वन अनदर एंड कुड नॉट थिंक ऑफ सेलिब्रेटिंग क्रिसमस विदाउट प्रेजेंटिंग द गिफ्ट. गौर कीजिए इस पे, गौर कीजिए. वन अनदर की गलती है. डेला और जिम दो लोग हैं, दो लोगों के लिए हम ईच अदर इस्तेमाल करते हैं. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए. टॉल ट्रीज एंड एक्सपेंसिव ऑफ पैडी फील्ड्स एंड विलेजेस लाई ऑन एवरी साइड ऑफ द रोड.
अब जो रोड होता है ना उसकी साइड्स कितनी होती हैं, दो होती हैं, और दो के लिए एवरी नहीं इस्तेमाल होता, ईच इस्तेमाल होता है, तो ईच साइड ऑफ द रोड, बल्कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आइदर साइड ऑफ द रोड, आइदर का मतलब होता है दो, तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे ऑन ई एवरी साइड या ईच साइड की जगह हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आइदर साइड ऑफ द रोड, ईच भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। रॉजर यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर्स फेस। अब देखें जी, मैंने आपको बताया कि योर्स तब आएगा, जैसे योर्स तब आएगा जब इससे पहले ऑफ आ रहा होगा पोजेसिव प्रोनाउन के लिहाज से, लेकिन जब आपका नाउन आ गया यहाँ पे फेस, तो फिर योर्स नहीं होगा, योर होगा, योर फेस, तुम्हारा फेस। नन ऑफ द टू बॉयज हैज सबमिटेड हिज फीस, तो टू बॉयज है, टू के लिए नन नहीं नीदर इस्तेमाल होता है, नीदर इस्तेमाल होगा। द पीपल हुम विल हेल्प यू, दो द पीपल, एक आ गया नाउन आ गया, ये वर्ब आ गया, इन दोनों को कनेक्ट हुम नहीं कर सकता, हु इनको कनेक्ट करेगा जो रिलेटिव प्रोनाउन है। एवरीवन हु नोज दैट दे विल नॉट विन द रेस विदाउट डेडिकेशन, सो इट इज इम्पेरेटिव दैट ईच रनर रन अ माइल अ डे। तो सोचिए इसके बारे में, तो यहां पे ईच रनर रन अ माइल अ डे, तो एवरीवन नोज दैट, और दूसरा यहां पे ही आएगा। अब यहां पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि इट इज इम्पेरेटिव के बाद अगर दैट आ जाता है तो फिर हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, लेकिन ये दोनों तरह से करेक्ट माना जाएगा। एवरीवन नोज दैट ही विल नॉट विन द रेस, द डिबेट बिटवीन पॉल एंड जेक बिगेन व्हेन ही मेड। अब यहां पे एक रूल आपको समझा दूं कि पॉल और जेक दो बंदे हैं, उनके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ही रेफर करेगा किसको ये नहीं पता चल रहा, ही पॉल के लिए इस्तेमाल हुआ या ही जैक के लिए इस्तेमाल हुआ पता नहीं चल रहा, तो हमने जिसका नाम लेना है हम यहाँ पे पॉल या जैक का नाम लिखेंगे। द ट्रेनर एक्सेप्टेड दैट ही वॉज मच मोर एक्सपीरियंस देन आई, देन के बाद आपको बताया सब्जेक्ट कैसे आना है। व्हेन द प्रेजिडेंट निक्सन मेट विद प्रेजिडेंट माओ ही फेल्ट अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री हैड बिगन, तो ही किसको रेफर कर रहा है, निक्सन को या प्रेसिडेंट माओ को नहीं पता चल रहा, तो हम जो है वो यहाँ पे उसका नाम लगाएंगे। नॉर्मल पुट द बटन यू नॉट बिसाइड हर्स, हर्स नहीं बिसाइड हर, क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन केस आएगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट केस आएगा। दाउद एंड माई सेल्फ ओन अ न्यू होंडा, दाउद देन आई आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ और है यहाँ पे, यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।